एंडोक्राइन खत्म हो गया था, नर्वस सिस्टम हमारा चालू करना है, चलो आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। नर्वस सिस्टम हमारा पहला, हमारा इट इज मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसमें पहला पूछा जाएगा हमारा कि नर्वस सिस्टम हमारा ओरिजिनेशन कैसा, हमारा कैसा, हमारा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम के फंक्शन से पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, कि नर्वस सिस्टम हमारा वर्क कैसे कर रहा है, तो हमारा पहला कैसा है, इट इज रैपिड। ठीक है, अब देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा, कोऑर्डिनेट किससे करेगा, हमारा कोऑर्डिनेशन करना होगा तो कौन सा करेगा, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम दोनों आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपस में दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इट इज रैपिड फंक्शन करेगा हमारा, वर्क थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर नर्व इम्पल्स की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा इट इज रैपिड, अब ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एक जैसे इसको स्टिमुलस मिला तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, स्टिमुलस जैसे ही मिला तुरंत क्या करेगा, हमारा रिस्पॉन्स करेगा, और एक हमारा स्टिमुलस मिला बट रिस्पॉन्स थोड़ी देर बाद करेगा। ठीक है, अब दो होगा, जब हमारा ब्रेन काम करेगा तो स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के बीच में थोड़ा सा टाइम इंटरवल होगा, टाइम गैप होगा, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यदि टाइम गैप नहीं है तो कौन काम करेगा, हमारा स्पाइनल कार्ड काम करेगा, हमारा स्पाइनल कार्ड काम करेगा हमारा। ठीक है, देखो नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप से सेल से मिलकर बना होता है, पहला होता है हमारा न्यूरॉन्स, दूसरा होता है ग्लिया, या फिर उसे बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्वस, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज ग्लिया सेल या न्यूरोग्लिया सेल बोला जाता है। सिर्फ ग्रुप होंगे, ब्रेन और सारे चीज डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्लिया सेल बोलते हैं। और न्यूरॉन हमारा सिंगल स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, देखो ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं साइटोन, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, या फिर उसे बोलते हैं सोमा सेल या फिर सेल बॉडी। ठीक है, इसमें पाया जाता मेन हमारा जो पाया जाता है उसे बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अब ये पूछा था निसल्स ग्रेन्यूल का साइटोन में वर्क क्या होता है। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल का साइटोन में वर्क क्या होता है, या फिर न्यूरॉन्स में या फिर नर्वस सिस्टम में निसल्स ग्रेन्यूल के फंक्शन बताने होंगे आपको। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, किसका फ्रेगमेंटेशन होता है, नीचे लिखा फ्रेगमेंट ऑफ RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ब्रेक डाउन होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा निसल्स ग्रेन्यूल। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और दूसरा काम कैसा करता है, हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल किसका एग्जाम्पल है, RBC, WBC, प्लेटलेट, WBC में ग्रेनुलोसाइट की, ये ग्रेनुलोसाइट में क्या था हमारा, यदि बात करें एक ग्रेनुलो तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट था हमारा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला यहाँ से बात करें और यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। अब एक्सॉन में दो चीज है हमारा, नोड ऑफ रेबिनर्स और यहाँ पे पाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया स्वान सेल। ठीक है, इसके ऊपर हमारा माइलिनेटेड शीथ का बना हुआ है। ठीक है, माइलिनेटेड शीथ का एक्ट एज इंसुलेटर। ठीक है, और क्या होता है हमारा, प्रोसेस द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, अब देखो यदि हमारा ये माइलिनेटेड शीथ ना रहे, ठीक है, माइलिनेटेड शीथ का काम क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जंप कराना और फास्ट करना। ठीक है, इसका काम होता है हमारा माइलिनेटेड शीथ का। यदि इलेक्ट्रिक हमारा माइलिनेटेड शीथ नहीं है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो क्या जाएगा, स्लो जाएगा, हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। ठीक है, अब माइलिनेटेड शीथ सबसे ज्यादा कौन से न्यूरॉन में पाया जाता है, पूछा जाएगा ब्रेन में कि स्पाइनल कार्ड में, इसमें पाया जाता हमारा स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, जब हम लोग ब्रेन का यूज करते हैं तो हम चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, रिस्पॉन्स थोड़ा, स्पाइनल कार्ड हमारा क्या आता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है, यानी सिग्नल तुरंत पहुंचा और तुरंत रिस्पॉन्स करना काम कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंड बल्ब। ठीक है,
और दो न्यूरॉन्स यही एक्सॉन बल्ब पे अपन अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं हम कौन सा, सिनेप्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ न्यूरॉन, एक होता हमारा माइलिनेटेड, दूसरा हमारा नॉन माइलिनेटेड, दूसरा हमारा दो एक अलग टाइप के हमारा जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा कौन सा हमारा मोटर न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कोई भी सिग्नल जा रहा है तो उसे बोलते हैं कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर सीएनएस से कहाँ जा रहा हमारा, ऑर्गन तक आ रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन। तीसरा पाया जाता है हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पूछा जाएगा हमारा, ठीक है, नीट में पूछा जाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब डेंड्राइड नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा हमारा, एक्सॉन होगा हमारा। ठीक है, एक्सॉन और हमारा साइटॉन होगा, डेंड्राइट नहीं होगा। कहाँ होता है, फाउंड ओनली अर्लियर एम्ब्रियो, जानते हो अर्लियर एम्ब्रियो तो उसको ज्यादा फंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हमारा। ठीक है, सेकेंड आता है बाइपोलर न्यूरॉन हमारा, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइड हो, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम ऑफ नेजल चैम्बर या रेटिना ऑफ आई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसके बाद जितने भी बचे हैं सब कैसे होते हैं हमारे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होगा एक्सॉन और डेंड्राइट, एक्सॉन एक ही होगा, डेंड्राइट की संख्या ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ग्लिया सेल, जिससे हमारा पहला है एस्ट्रोसाइट या एस्ट्रोग्लिया सेल, होल्ड न्यूरॉन एट ए डिस्टेंस। ठीक है, एक डिस्टेंस पे जो पकड़े दोनों न्यूरॉन्स, मान लो दोनों न्यूरॉन्स आपस में अटैच हो रहे हैं हमारा, जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस, उसके लिए हमारा होल्ड करने के लिए, आपस में क्लोज करने के लिए कौन काम करता है हमारा, एस्ट्रोग्लिया सेल काम करता है। ठीक है, सेकंड हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल या सिक्रीटेड माइलिनेट, यदि स्वान सेल नहीं है तो माइलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, यानी इस बोल सकते हो कि न्यूरॉन्स जहां पे स्वान सेल है वहां पे माइलिन का सिंथेसिस होगा, और जो नॉन माइलिनेटेड हमारे न्यूरॉन्स होंगे उसमें स्वान सेल नहीं होंगे। और माइक्रोग्लिया है, माइक्रो मतलब होता है मैक्रोफेजेस टाइप, जिसको बोलते हैं फैगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, जो काम करेगा कौन सा, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब पूछा जाए कि न्यूरॉन जो है वो हमारा डैमेज कर दिया गया है, हमारा टूट गया किसी तरीके से, तो क्या डिवीजन करके दूसरा न्यूरॉन्स बन सकता है, सेल डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है हमारा न्यूरॉन्स में। एब्सेंट होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स होते हैं एक बार डैमेज हो गया फिर दोबारा नहीं बनता, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल हमारा एब्सेंट होता है। ठीक है, कभी डिवीजन नहीं करती, एक बार बन गए हो तो बन गए। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम आप एनिमल में हमारा देखा जाए थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, स्पंजेज में नहीं होता, हाइड्रा में नर्व नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है, प्लेनेरिया में टू नर्व कॉर्ड है हमारा, अर्थवर्म में होता है हमारा। ठीक है, कॉकरोच का नहीं पढ़ना है, कॉकरोच हम लोग, ठीक है, आ जाओ ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है, थोड़ा बहुत अलग बना के दिया गया है कि नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी सेंटर पे जो होगा कौन सा होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरी मतलब जहां पे हमारा आउटर सरफेस पे, तो वहां पे हमारा क्रेनियल नर्व जो एराइजेस फ्रॉम ब्रेन, और स्पाइनल नर्व एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब उसमें दो और हमारे सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो होंगे, एक वॉलेंट्री एक्शन करेगा और एक ऐसा करेगा हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब स्केल्टन मसल के लिए जो काम करते हैं हम लोग वो कौन सा होता है, वॉलेंट्री होता है, हमारे इच्छा के ऊपर होता है, जिसके लिए हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम पूछा जाएगा, वॉलेंट्री एक्शन के लिए हमारे बॉडी में कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया जाएगा सोमेटिक ऑटोनॉमिक पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा, सोमेटिक। ठीक है, और ऑटोनॉमिक हमारा इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे तीन हमारे एफरेंट इफरेंट और मिक्स नर्व। ठीक है, जो हमारा एफरेंट को बोलते हैं सेंसरी, इफरेंट को बोलते हैं मोटर, सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, सीएनएस टू ऑर्गन, एंड दोनों बहुत एक साथ होंगे उसे बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन। ठीक है, और देखो ये बताए थे तुम लोगों को जो पढ़ाए थे एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, याद आ रहा है हमारा कुछ बहुत, बताए थे कि हमारा एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन कब काम करता है हमारा, ड्यू टू
स्ट्रेस कंडीशन, तो वहां पे जो नर्वस सिस्टम काम करेगा कौन सा होगा हमारा, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक अंडर नॉर्मल कंडीशन। बताते हैं कि ये नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ से कोई भी चीज बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता था हमारा, एड्रेलिन। इसको नॉर्मल लेवल पे ले आने का काम कौन करता था हमारा, नॉन एड्रेलिन। तो इसको बढ़ाने में हमारा नर्वस सिस्टम कौन सा काम करेगा, सिंपैथेटिक। नॉर्मल ले आने में कौन करेगा हमारा, पैरा सिंपैथेटिक। अब ब्रेन में ये दो मैटर्स होते हैं, ठीक है। जब ब्रेन को ओपनिंग की जाती है तो इसी से पहचाना जाता है, एक होता है ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर, ठीक है। जो ग्रे मैटर है उसमें पाया जाएगा सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। और व्हाइट मैटर में कौन सा होगा हमारा, माइलिनेटेड फाइबर, ठीक है। इसमें तो बोला जाता है जिसकी ब्रेन में ग्रे मैटर की जनसंख्या ज्यादा होती है या फिर कंटेंट ज्यादा होता है उसका ब्रेन थोड़ा फास्ट काम करता है, शार्प होता है, और जिसमें व्हाइट मैटर ज्यादा होता है उसका ब्रेन थोड़ा स्लो काम करता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, कोई बताओगे ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, एक तो हमारा सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, दूसरा कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड है, यानी वो क्या करेगा, कोई भी चीज को सोच समझ के काम करेगा, ठीक है। रिएक्शन थोड़ा रुक के देगा, माइलिनेटेड बिना कुछ सोचे समझे रिस्पॉन्स कर देगा, जैसे हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। वही चीज होती है, जैसे मान लो बैठे हैं पीछे से कोई जैसे मार देता है ना, ठीक है, तो उस समय हमारे दोनों ब्रेन को देखा जाता है, ठीक है। ये जब बड़ी बड़ी कंपनियां में जाते हैं तो ऐसा इंटरव्यू कुछ कराते हैं, वो ब्रेन का आपका फंक्शनिंग की बात करते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी हो गई, IESS PCS में देखा जाता है ब्रेन का यूज कर देखा जाता है, ठीक है, कैसे आप रिस्पॉन्स करता है ब्रेन का। तो जैसे मान लो छोटा सा कोई मार दिया तो एक होता है, एक आदमी होता है पीछे घुमा बिना कुछ समझे किसी को भी लगा दिया, ठीक है। दूसरा होता है टर्न होता है, बॉडी नेचर एक्शन देखता है, पता चल जाता है कौन मारता है, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, मारता नहीं है, बोलता है, कुछ ऐसे करता है, ठीक है। तो जिसका ग्रे मैटर ज्यादा होगा उसमें क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ मेनिनजाइसिस, ठीक है। फिर ये मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं हमारे किस पे, हमारे ब्रेन पे, ठीक है। देखो ना ऐसे करके, ओहो कौन सी मूवी थी, मूवी देखे हो गए तो बहुत है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत देखे हो, उसमें ऐसे करके दिखाता है ना, खोपड़ी खोल देता है फिर बंद कर देता है, ठीक है। गाने देखे हो, कौन सा गाना था ना, गाना का नहीं नाम याद है, ठीक है, जो उसमें गाने में थोड़ा सा दिखाया गया है, और जब दोनों किडनैप हो जाते हैं दोनों शायद, ठीक है, जो भी है, तो उसमें एक गाना जिसमें वो खोपड़ी ऐसे खोलता है फिर बंद कर देता है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कभी कल देखते हो ऐसे कई मूवियों में दिखाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मेनिनजाइसिस बोलते हैं। थ्री लेयर्स पाए जाएंगे जब ऐसे से ओपन करते हैं तो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो करते हैं हमारे प्रोटेक्ट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो बने होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। अब देखो फिश का पूछा जाएगा तो सिर्फ ओनली वन मेनिक्सिस है, जिसको बोलते हैं मेनिक्सिस प्रिमिटिवा, ठीक है। एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड बर्ड की बात करें तो कितने हमारे, दो मेनिनजाइसिस हैं, एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं पाया अर्किनोइड मैटर, दूसरा कौन सा हमारा, ड्यूरा मैटर, ठीक है। और मैमल्स में कितने होते हैं हमारे, तीन होते हैं, पाया मैटर, अर्किनोइड मैटर एंड ड्यूरा। सबसे बाहर कौन सा होता है हमारा, ड्यूरा मैटर, बीच में कौन सा होता है हमारा, अर्किनोइड, और लास्ट में कौन सा होता है हमारा। अब देखो इसमें लिखा है हमारा, पूछा जाएगा कि यदि हम ब्रेन को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे थ्री मैटर्स पहले आएंगे, यही ड्यूरा अर्किनोइड पैराटर। पूछा जाएगा किसमें ब्लड सप्लाई कौन से मैटर में, देखो यहाँ पे लिखा गया कौन सा हमारा, वेस्कुलर, जिसमें सबसे इनर जो होती है वहां तक ब्लड सप्लाई होती है हमारी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, नेटवर्क ऑफ कोलेजन, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है हमारा, फाइब्रस नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। इसी नाते ब्रेन को हम लोग क्या करते हैं, बोला जाता है हेलमेट लगाइए, सब लगाइए, ठीक है। ब्रेन सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन है, ठीक है। यदि ब्रेन पे चोट लग गई, ठीक है, तो फिर ठीक है कुछ भी हो सकता है। आज का सबसे ज्यादा होता है, जैसे चोट लगती है सबसे फर्स्ट काम होता है ब्रेन हैमरेज, ठीक है, पहला काम होता है जैसे चोट लगा ब्रेन हैमरेज होना, चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्रेन सबसे खराब होता है हमारा, ठीक है, फंक्शनिंग जो करता है ना, सबसे खराब फंक्शनिंग ब्रेन करता है, ठीक है। यदि हम मान लिए कि आज कुछ भी सोच लो कि आज 20,000 रुपए कमाने का तरीका बताना, मतलब सोच लिया कि 20,000 कमाना है, ठीक है, तो सिर्फ ब्रेन जो होता है सिर्फ 20,000 कमाने के बारे में ही बताता है। 20,000 एक रुपया बता दे तो कर लेना, कुछ नहीं बताएगा, एक रुपया भी नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ 20,000 को कमाने का तरीका बता देगा आपको,
सिग्नल दे देगा, काम खत्म। ठीक है, ठीक है। तो जितना जितना हम सोचते हैं ना, जैसे मान लो कि यदि बंदा सोच लिया कि आज 3 रोटी खानी है, ठीक है, तो तुम कितने भी कर लो, ब्रेन बोलेगा हम खाने नहीं देंगे। तुम सोच लिए हो अब नहीं खाओगे तो बीमार करेंगे हम तुमको, डाइजेस्ट नहीं। तुम उसको कुछ भी दे दो, कितना भी रोटी दे दो, घी लगा कुछ भी दे दो, बड़ी बोलो कि इस होटल से मंगा के लाए हैं, ठीक है, वो ब्रेन उसको खा भी लिए अगर चौथी रोटी तो डाइजेस्ट होने नहीं देगा, 100% इनडाइजेशन हो जाएगा। ये ब्रेन का यूज होता है, ठीक है। तो जितना हम सोचते हैं उतना ही होता है, जैसे हम लोग सोचते भी हैं, होता है ना कि आज हम एक चैप्टर नहीं कर पाएंगे, तो 100% वो बोलेगा आप एक क्या, आप तुमको रिलैक्स चाहिए, हम आधे घंटे पहले ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये ब्रेन की फंक्शनिंग होती है हमारी, जितना यूज करेंगे उतना यूज होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ब्रेन होता है हमारा, ठीक है। तो जितना यूज कर सको उतना यूज करो, ठीक है, और ब्रेन पूरा साथ देगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन होता है हमारा नेचर, नेचुरल, ठीक है। जो नेचर हमारा सबसे फर्स्ट कंपटीशन हम किससे करते हैं, नेचर से कंपटीशन होता है हमारा, ठीक है। यदि नेचर को हम लोग, ठीक है, नेचर के साथ चलना शुरू कर दिए या नेचर को कंपटीट कर दिए, तो लाइफ टाइम नेचर हमारा साथ देता है। आप किसी भी कंडीशन में खड़े रहो 100% साथ देगा, कहीं पे भी किसी भी समय रहोगे ना, बोलेगा हम तुम्हारे साथ है, तुम निकलो बस, ठीक है। यदि नेचर, क्योंकि हमारा पाला क्या होता है, गर्मी है, ठंडी है, ये है, वो होता है ना, मौसम आलस वाला आ रहा है, ठीक है, नींद आ रही है, ऐसा है वैसा है, वो कौन करता है, नेचर करता है हमारा, ठीक है। और नेचर से यदि कंपटीट कर गए, ठीक है, नेचर बराबर, तो नेचर 100% गारंटी है कि वो नेचर पूरा आपको साथ देगा, ठीक है, पूरी तरीके से साथ देगा आपको, ठीक है। नेचर कभी एक्सक्यूज नहीं करता कि आज हम गर्मी तेज है तो क्यों है, ठंडी है तो उससे हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेचर यदि कंपटीट कर लिए तो लाइफ में अपने आप बढ़ते जाओगे, ठीक है, नहीं तो नेचर अपने आप वहां जाता है ना, नेचर में हमारी टाइमिंग चालू है, ऊपर टाइमिंग चालू है नेचर में, नहीं तो अपने आप खींच लेगा, ठीक है, कि तुमको वहां नहीं रहना, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब आ जाओ सबसे ऊपर, हम लोग देखो पहला कौन सा हमारा ड्यूरा मैटर है, देखो इसी तरह ओपनिंग करना रहता है हमारा, ठीक है। सबसे ऊपर क्रेनियम, जो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, सबसे ऊपर हमारा हेयर्स होता है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, क्रेनियम, उसके बाद ये 3 मैटर्स आते हैं, पैरा, अरिकनॉइड एंड पैरामैटर, ठीक है। अब देखो ड्यूरा मैटर और अरिकनॉइड मैटर के बीच में जो हमारा स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। दूसरा होता है सब अरिकनॉइड स्पेस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीएसएफ, सीएसएफ का फुल फॉर्म बताओगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेवरल स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के किस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। सब अरिकनॉइड स्पेस, अरिकनॉइड एंड पैरामीटर के बीच में होता है, उसके नीचे हमारा कौन सा होता है, सीएनएस, ठीक है। दूसरा जो डायग्राम बना के दिया गया है, जब ब्रेन की ओपनिंग करोगे तो सेम इसी तरह डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर स्कल, ठीक है, हेयर क्रेनियम है, फिर इस तरह हमारे अरिकनॉइड विलाई होते हैं जो सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं और ब्रेनिंग का, ठीक, और कुछ नहीं, जो ऊपर है उसी को हम लोग थोड़ा सा मोर एलोबरेट करके बनाया गया है, ठीक है। अब देखो ब्रेन को दूसरा नाम बोलते हैं ईएन सीफ्लॉन, ठीक है। तो कभी कल एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईएन सीफ्लॉन क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, ब्रेन, ठीक है। ईएन सीफ्लॉन में ईयर से मत कुछ कर देना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है, ईएन सीफ्लॉन मतलब ईयर वर्क, ईयर नाक, ठीक से यही सब है हमारा नोज से, तो वहां पे ईएन सीफ्लॉन ब्रेन को बोलते हैं। वेट होता है 1200 to 1400 ग्राम, ठीक है, ह्यूमन का 14 तक होता है, और मतलब ह्यूमन में मेल का 14 और फीमेल का 1200, लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी, और कितने बिलियन न्यूरॉन होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन फाउंड इन ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जानते होगे, पढ़े होगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, पहले को कौन सा बोलते हैं हम लोग, प्रोसेन सीफ्लॉन, दूसरे को मीजन सीफ्लॉन, और थर्ड को रमन सीफ्लॉन, ठीक है। तीनों नाम याद रखना, ईएन सीफ्लॉन, प्रोसेन सीफ्लॉन, मीजन सीफ्लॉन एंड रमन सीफ्लॉन, ठीक है। पहला जो प्रोसेन सीफ्लॉन में है उसमें हमारा पाया जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑल्फैक्टरी लोब जो क्या करेगा, हमारा स्मेलिंग का काम करता है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि ये ब्रेन है आपको दिया गया, ठीक है, अब पूछा जाए यदि हम उसको ओपन करेंगे तो ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ पे पाया जाएगा,
ठीक है, सेरिब्रम तो अलग है वहां पे, ठीक है। ऑल्फैक्ट्री लोब यदि ब्रेन का ऐसे दिया गया कि ब्रेन दे दिया गया, आपको पॉइंट लोकेट करना है कि ऑल्फैक्ट्री लोब कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। इधर 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 कहाँ पे, चार पार्ट है ना, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, चार पढ़ते हो ना, कहाँ पाया था आगे, ठीक है, कहाँ पाया था हमारा, ईयर के पास में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पाया था हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे हम क्या करते हैं ब्रेन को देखो, इसी सेम टू सेम होता है, ठीक है, और एक पीछे होता है हमारा, जस्ट इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो देखो यदि ब्रेन ऐसे ही, पूरा हमारा ब्रेन ऐसे है यदि देखोगे तो ऐसे, ठीक है, इसको जैसे ओपन करते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे पढ़े ना कॉलीफ्लावर्स, ठीक है, पूरा कॉलीफ्लावर जैसे हम देखते हैं ना, सेम उसी तरह हमारा ब्रेन दिखता है हमको, ठीक है, नीचे होता है ना उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी डंडी होती है काटते हैं उसको, वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ऊपर जितना भी जैसा भी कॉलीफ्लावर होता है हमारा, ठीक है, सेम उसी तरह कॉलीफ्लावर की तरह हमको ब्रेन दिखता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके स्प्लिट कर दिया था और दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो और तीसरा हमारा डायन सीप्लॉन, मीजियन सीप्लॉन क्या है हमारा, ऑप्टिक लोब या फिर बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। अब ऑप्टिक लोब यदि पूछा जाए ब्रेन में कहाँ पाया जाता है, ऑप्टिक सेंटर कहाँ पे पाया जाता है ब्रेन में, आगे ऊपर नीचे पीछे कहाँ पे पाया जाता है, जस्ट पीछे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कोई मारता है ना तो सबसे पहले हमारी रोशनी गायब हो जाती है आंखों की, ठीक है। इसी आते जब भी होता है ना, यदि कोई पीछे से ऐसे गिरा तो चांसेस ज्यादा हैं कि क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, ठीक है। इसी आते बोला जाता है कि कभी भी पीछे ब्रेन पे नहीं मारना चाहिए ज्यादा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग लगा देते हैं, ठीक है, यदि ज्यादा लग गया तो फिर आई गायब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम बताए थे काम क्या करता हमारा, बैलेंसिंग द बॉडी पोस्चर, ठीक है, जैसे अल्कोहल पीते हैं सबसे पहले कौन इफेक्ट पड़ता है, सेरिबेलम, ठीक है, बॉडी बैलेंस गायब हो जाती है। पोन्स वेरोलाई बताए थे, कुछ याद आ रहा, पोन्स वेरोलाई का काम, फोर्सफुल रिस्पायरेशन, जब फोर्सफुल रिस्पायरेशन करते हैं तो इसके लिए कौन सा होता है, पोन्स वेरोलाई, ठीक है, और मेडुला ओब्लोंगेटा, वोमिटिंग, स्वेटर, स्नीजिंग, जितने भी होते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर, सबके लिए कौन सा है, मेडुला है, ठीक है। अब देखो पहला हमारा प्रोसेन सीफ्लॉन, ठीक है, जिसमें पहला ऑल्फैक्टरी लोब, इसी तरह हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वन पेयर्स में होंगे, और इसका काम क्या होता है हमारा, डिटेक्शन ऑफ स्मेल, और कहाँ पाया जाता है हमारा, टेम्पोरल लोब, इधर कौन सा लोब होता है हमारा, टेम्पोरल लोब पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यही हमारा सेरिब्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे है, दोनों ब्रेन हमारा डिवीजन है, उसके बीच में कौन सा हमारा सेरिब्रल फीजर है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट किया है। अब जैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमको दिखने को मिल जाएगा, ये जो होता है कनेक्ट करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओनली कनेक्टर किसका है हमारा, मैमल्स, ठीक है, जो ऊपर है उसे बोलते हैं हम लोग गायराई, और जो नीचे दाशा हुआ उसे बोलते हैं सलसाई, ठीक है, जो इस तरह का हमारा डायग्राम है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इसको हम लोग गायराई, इससे सलसाई, ठीक है। आउटर पार्ट जैसे किडनी में बात की है तो सब जगह आउटर पार्ट कैसा होगा, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट कौन सा होगा, मेडुला। अब यहाँ पे ब्रेन में पूछा था जो आउटर मेम्ब्रेन होता है कौन सा, ग्रे, कौन सा होता है, मैटर, ग्रे मैटर, यदि ब्रेन को कट करते हैं, ब्रेन को डिवाइड करते हैं, और मेडुला कैसा होता है, व्हाइट मैटर, और जस्ट उल्टा होता है इसका हमारा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में आउटर कौन सा होता है, व्हाइट मैटर, और इनर कौन सा होता है हमारा, ग्रे मैटर, ठीक है। देखो कॉर्पस कैलोसम लिखा है कनेक्टिंग बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और कौन सा होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। अब देखो ये हमारा ब्रेन का पूरा पार्ट है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर इसे बोलते हैं, और इधर हो गया कौन सा, पोस्टीरियर, ठीक है। जो हमारा पहला हमारा कौन सा, फ्रंटल लोब हमारा है, दूसरा हमारा पेराइटल, थर्ड ऑसिपिटल, एंड फोर्थ कौन सा हमारा, टेम्पोरल लोब। चार पार्ट में डिवाइड किया गया ब्रेन को हमारा, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, और फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, टेम्पोरल लोब, ठीक है। और देखो पेराइटल और ऑसिपिटल को बीच में जो डिवीजन करा उसे बोलते हैं पेराइटो ऑसिपिटल फिजर, ठीक है।
अब देखो एक और है पाया जाता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं लेटरल या सल्वियन फिशर, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा जो इंसुला है, हमारा जो टेम्पोरल को हमारा किसमें डिवीजन कर रहा है, फ्रंटल से अलग कर रहा है, उसी के नीचे हमारा छिपा होता है। देखो ये लोब ऑफ इंसुला इज हिडन ऑफ लाइन डीप इन सल्वियन फिशर, ये जो डिवीजन है हमारा, ठीक है, ये हमारा बोलते हैं इंसुला, इसी के नीचे हमारा होता है सल्वियन फिशर। बस नाम यहाँ पे जानना, इसके फंक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो सेरेब्रल डिवाइडेड इनटू मेन एनसीआरटी कितना पार्ट में दिया हमारा, ओनली फोर, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। अब देखो ये तो ग्रे मैटर हो गया। अब देखो रूफ, रूफ ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, जो रूफ ऑफ सेरेब्रम किसका हमारा, सल्साई एंड गायरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक कैविटी की बात किया जाएगा हमारा, कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर और हॉलो कैविटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ट में हमारा, हार्ट में जो था वो अलग है, यहाँ पे अलग हमारा, ठीक है। यदि हमारा दो वेंट्रिकल है, देखो ये हमारा राइट और लेफ्ट हमारे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, ठीक है, बीच में इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है हमारा, कौन कर रहा है, कार्पस कैलोसम। अब इन दोनों की जो कैविटी है हमारा, फर्स्ट वेंट्रिकल राइट को बोलते हैं और सेकेंड हमारा सेकेंड वेंट्रिकल लेफ्ट को बोलते हैं, जिसको कौन सा बोलते हैं हम, लेटरल वेंट्रिकल या फिर पैरासेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया कौन सा हमारा, फर्स्ट वेंट्रिकल, और ये कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड वेंट्रिकल। ओपन कहाँ हो रहा है हमारे, थर्ड वेंट्रिकल, जिसको बोलते हैं कौन सा हम लोग, डायन सीप्लॉन, और उसी में पाया जाता है एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैनरो। एक क्वेश्चन पूछा था कि फोरामेन मैनरो कहाँ पे पाया जाता है, जब फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल ओपन होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं डायन सीप्लॉन, उसी की कैविटी को बोलते हैं हम लोग फोरामेन ऑफ मैनरो। अब ये ब्रेन का हमारा डायग्राम है जो हमारे फंक्शन के साथ में यहाँ पे रिलेट किया गया है, ठीक है। देखो ठीक है, ये हमारा ब्रेन है हमारा पूरा, ठीक है। जो फ्रंटल पहला कौन सा था हमारा, ये था हमारा ना, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, ठीक है। देखो अब आते हैं सबसे पहले फ्रंटल का, फ्रंटल का काम क्या क्या है, ठीक है। पहला काम देखो यहाँ पे लिखा है एसोसिएटेड एरिया, पहला काम हमारा एसोसिएटेड एरिया, सेंसेशन ऑफ मूवमेंट एंड लर्निंग का काम भी कौन करता है हमारा, फ्रंटल, ठीक है। दूसरा हमारा प्री मोटर एरिया है, यानी इन, देखो फ्रंटल हमारा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन और यहाँ पे लिखा हमारा वॉलेंट्री फंक्शन, यानी प्री मोटर एरिया एंड मोटर एरिया दोनों का काम कौन करता है हमारा, फ्रंटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक हमारा जिसको बोलते हैं ब्रोकॉज एरिया, जिसको बोलते हैं स्पीच, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो जैसे छोटे होते हैं थोड़ा सा डेवलप होते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट जो होता है किस, कौन सा ओपन होता है, ब्रोकॉज एरिया, बोलने के लिए, ठीक है। सिर्फ बोलता है, क्या बोलता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पहला होता है ब्रोकॉज एरिया, सेंसरी टच और प्रेशर के लिए भी कौन काम करता है हमारा, फ्रंटल एरिया, ठीक है। पैराइटल का पूछा जाएगा फंक्शन क्या क्या हमारा, बॉडी अवेयरनेस, जैसे हमारा कोई भी डिजीज आती है तो हमको बताया जाता है, तो उसके लिए कौन सा है, पैराइटल। और लैंग्वेज टेस्ट रीडिंग के लिए भी कौन करता है हमारा, पैराइटल काम करता है, ठीक है। पैराइटल जब छोटे बच्चे होते होंगे ना तो देखोगे तुम लोग छोटे बच्चों, तो यहाँ पे जैसे टच करोगे ना यहाँ पे वाइब्रेट होता है उनका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डीपली सीटेड होता है और वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। यदि उसके थ्रू गिर गया बच्चा तो एक डेथ होने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए इसको बचा के रखते हैं। तो गाँव में होता है जैसे पे यहाँ पे ऑयल्स लगा के रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो मतलब और जगह पे डॉक्टर दवा दी जाती है, बाद में वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको क्या होती है, एक हार्ट बीट की तरह यहाँ पे फंक्शनिंग करता है उसका ब्रेन, ठीक है। हर्ट यहाँ समझो कि एक तरह से हर्ट पाया जाता है वहां पे, ठीक है, पूरा आप वहां से टच करके पता कर सकते हो कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, बाद में वो, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है हार्ड लेयर में, ठीक है। अब देखो हमारा पैराइटल में कैसा, हमारा लैंग्वेज टेस्ट रीडिंग के लिए हमारा काम करता है, ऑसिपिटल जो पीछे है किसके लिए हमारा, विजुअल एरिया, ठीक है। देखो टेम्पोरल लोब की बात करें तो पहला कौन सा था हमारा, ऑल्फैक्टरी एरिया, कहाँ पाया जाता हमारा, टेम्पोरल लोब में। ऑडिटरी एरिया, जहाँ से सुनना है, सुनने का भी काम कौन करेगा हमारा, टेम्पोरल लोब में। और वर्निक्स एरिया अंडर स्टार्टिंग स्पीच, जो सोच समझ के बोला जाता है, जब उसमें कौन सा होता है हमारा, टेम्पोरल
लोभ होता है। ठीक है, ईशा से ईच सुनना और ईच से सोच समझ के बोलना है। ठीक है, और एक ये फ्रंटल वाला है, कुछ भी सुने और कुछ भी बोल दिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन पूछे जाएंगे कि फ्रंटल लोब के क्या क्या काम है, पेराइटल के क्या क्या काम है, ऑसिपिटल के क्या क्या काम है और टेम्पोरल लोब के क्या क्या काम है हमारे। ठीक है, अब उसके देखो नीचे हमारा कौन सा है, सेरिबेलम, उसके आगे कॉन्स, मेडुला, फिर नीचे कौन सा आ जाएगा हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये ब्रेन का हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये ब्रेन के आपके काम डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि किस पार्ट का कौन सा फंक्शनिंग होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो इस तरह हमारा डिवीजन किया गया है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, सूचर्स होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट होंगे, अलग अलग न्यूरॉन्स होंगे सबके लिए फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा कौन सा था, डायनसेफलॉन। जरूर अब देखो डायनसेफलॉन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, द रूफ ऑफ डायनसेफलॉन नोन एज एपिथैलेमस, जो किसका बना होता है, पाया मैटर्स का। ठीक है, थैलेमस मास ऑफ द ग्रे मैटर, और हाइपोथैलेमस के काम जानते होगे, हाइपोथैलेमस का काम क्या था, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का देखो कुछ काम है हमारे, इट रेगुलेट थ्रस्ट, बीपी, सॉल्वेशन एंड स्वेटिंग और न्यूरो हार्मोन्स भी। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि यदि हमको भूख लग रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है, सलाइवा निकल रहा है, या फिर टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बना के डायग्राम दिया गया होगा, कुछ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में तो नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक हमारा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, वो नहीं जानवर नहीं, ठीक है, एक होता है ना हिप्पोपोटामस। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, ये कौन सा हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है हमारा, उसके आगे हमारा देखो ये पार्ट हमारा जो, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा हमारा एमला गैडा। ठीक है, इसके काम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है बताया, एनसीईआरटी में लिखा है एमिग्डाला, एमिग्डाला काम क्या होता है, इमोशनल, जो इमोशनल के लिए काम कौन कौन करता है हमारा, एमिग्डाला। इसको काट के निकाल दिया जाए तो अभी अभी ब्रेन से कट कर दिया जाए ना, ठीक है, तो घर नीट दुनिया सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा यदि हमारा इसी ऑर्गन को कट करके निकाल दिया जाए। ठीक है, अब देखो हमारा ये हमारा थैलेमस है हमारा, ये वाला पोर्शन कौन सा हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। ठीक है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये थैलेमस हो गया हमारा, थैलेमस के ऊपर क्या है हमारा, CSF। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये यहाँ पे मेडुला दिख रहा होगा और कौन सा दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये कौन सा हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस और ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये था हमारा जो कॉर्पस कैलोसम, दो किसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं देखना इसमें हमारा, देखो इन डायनसेफलॉन थर्ड वेंटिकल, इसको क्या बोलते थे हम लोग, डायोसील। अब देखो हमारा ये देखो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड कौन सा था, डायोसील, फर्स्ट सेकेंड पैरासील, जिसमें था फोरामेन ऑफ मैनरो, एंड थर्ड जाके कहाँ पे ओपन होता हमारा, फोर्थ में, उनके बीच में जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं आइटर या फिर एक्विडक्ट ऑफ सल्वियन। पूछा जाएगा थर्ड वेंटिकल किसके थ्रू ओपन होता है हमारा, फोर्थ वेंटिकल में, जिसको बोलते हैं आइटर या फिर एक्वाडक्ट ऑफ सल्वियन बोला जाता है। ठीक है, अब आता हमारा मिड ब्रेन, जिसे बोलते हैं मीजन सीप्लॉन। ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही काम है, जिसके लिए, किसके लिए काम करता है हमारा, ऑप्टिक लोब्स के लिए काम करता है। ठीक है, हेल्प इन विजन, इसमें क्या पाया था हमारा, देखो 1, 2, 3, 4 फोर लोब्स हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक क्वार्डी जेमाइना करेक्टर्स ऑफ मैमल्स। दो हो गया कार्पस कैलोसम करेक्टर ऑफ मैमल्स, ऑप्टिक क्वार्डी जेमाइना करेक्टर्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, और ये सिर्फ मिड ब्रेन का काम है कि दोनों फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों के बीच में कनेक्शन करने का काम कौन करता है हमारा, मिड ब्रेन या फिर मीजन सीप्लॉन।
अब देखो लिम्बिक सिस्टम लिखा है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में एनसीईआरटी में देखो अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, दो तीन चीजों को ऐड किया हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक और था पहले, अब हटा दिया गया, नई एनसीईआरटी किसी के पास है? देखो वहां लिम्बिक सिस्टम है कहीं पे? अरे खोजोगे तब नहीं मिलेगा, नई वाली एनसीईआरटी किसके किसके पास है? ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में हमारा वहां पे लिखा है फोर ब्रेन मिड ब्रेन, ठीक है यहाँ पे देख लो, पहले उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो लिम्बिक सिस्टम में हमारा एमिग्डाला, ठीक है, और हिप्पोकैम्पस, इसके दोनों के काम पूछे जाते हैं। एमिग्डाला का काम क्या है? इमोशनल, एंगर, फियर, सेक्सुअल बिहेवियर, सबके लिए कौन काम करता है? एमिग्डाला। हिप्पोकैम्पस का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना, मेमोरीज में ले जाना, ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ है पढ़ाई के अलावा जितने भी चीजें हैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चल जाती है, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। यदि वही चली गई तो हमको हमेशा याद रहेंगी चीजें, दुनियादारी कहीं भूल जाओगे जी इतना जल्दी, ठीक है, ब्रेन भूलने नहीं देगा, ठीक है, आप कुछ भी करो लेकिन जो ऊपर वाले ने बना के दिया है ना बहुत बैलेंस करके बनाया है चीजों को, बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत, ठीक है, ठीक है, बहुत पावर है नेचर में, नेचर में और ऊपर वाले में, ठीक है। इसे नाते जिस चीजों का दिया है ना उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। चलो हाइंड ब्रेन की बात करें जिसे बोलते हैं रोमन सीप्लॉन, ठीक है, इसमें आता हमारा कौन सा? सेरिबेलम, ठीक है। अब देखो सेरिबेलम में भी कौन सा आउटर, अभी कौन सा हमारा ग्रे मैटर, इनर कौन सा हमारा व्हाइट मैटर, इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे बोलते हैं और वो व्हाइटी, ठीक है, पूछा था। और देखो दो चीजें थी हमारा, ठीक है, एक था आइटर या एक्वाडक्ट ऑफ सल्वियन पूछा जाता है, दूसरा और वो व्हाइटी किसमें पाया जाता है, तुम्हारा हाइंड ब्रेन और फिर किसमें हमारा सेरिबेलम, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है हमारा, मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसे ही ब्रेन पे लगता है हमारा सेरिबेलम एंड ऑप्टिक्स दोनों डिफेक्टेड हो जाता है, इसी नाते आदमी दिखता नहीं हो, लड़खड़ा के गिर जाता है हमारा, ठीक है, होता नहीं पिक्चर में देखते हो कि पीछे से ही वार किया जाता है, ठीक है, इसी नाते कि दिखाई देगा नहीं, दिखाई नहीं देगा तो मार नहीं पाएगा, दूसरा चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा फिर पकड़ के उठा ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो पोन्स नेक्स्ट आता है हमारा पोन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम, कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक फेशियल एंशन ब्रीदिंग एक्सेट्रा, ठीक है, पोन्स जो क्या करता है हमारा जानते हो, पोन्स वेरुलाई, ठीक है, पहला इनवॉलेंट्री फंक्शन और फेशियल एक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना जब रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है तो ऐसे बनाते हैं, सबसे ज्यादा इतना पढ़ाई किए थे लेकिन पेपर सही नहीं जा पाया, ठीक है, और रोना तुरंत शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि पेपर वाला बनाने वाला या नीट वाला हमारे साथ ही अत्याचार किया था, हाँ ठीक है, दो ही चीज होता है, एक रिजल्ट आ जाए सेलेक्टेड लिखा जाए तो अलग खुशी होती है, नॉट सेलेक्टेड लिखा जाए तो अलग खुशी होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है, इसमें देखो अब देखो मेडुला में फोर्थ कैविटी जो होती है उसको क्या बोलेंगे? मायोसिल, अभी यहाँ पे पढ़े था हमारा फोर्थ कैविटी हमारी जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मायोसिल, थर्ड को क्या बोलते थे? डायोसिल, और इसको पैरासिल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मायोसिल, हमारा हो गया रूफ ऑफ नॉन नर्वस, ठीक है, फंक्शन कैसा करेगा, ये भी कैसा करता हमारा? इनवॉलेंट्री फंक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कंट्रोलिंग हार्ट बीट, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, पेरिस्टाल्सिस, वोमिटिंग, स्नीचिंग, यूरिनेशन, डिफेकेशन, जितने भी होते हैं सब में मोस्टली जो काम करता है कौन सा? मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है, नहीं कुछ याद आ रहा है कोई फंक्शन बॉडी का पूछ रहा है तो डायरेक्ट टिक मार देना तुक्का, मेडुला नहीं आ रहा तो आ रहा तो तुक्का मत मारना, ठीक है। अरे हमारा ब्रेन ऐसा होता है ना, रिसर्च करता है, यहाँ पे न्यूटन और आइंस्टीन सब यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वो निकलेंगे और उस क्वेश्चन पे पूछेंगे, जब होता है ना नीट का पेपर देते हैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, कुछ तो बात है, ऑप्शन दिया है तो ट्राई करेंगे,
और टच कर हमारा तो आदत है, ठीक है। चलो, बोन्स एंड मेडुला हैव ग्रे मैटर इनसाइड व्हाइट मैटर आउट साइड। देखो बोन्स एंड मेडुला में कौन सा आता है, ग्रे मैटर कहाँ पे है, अंदर, और व्हाइट मैटर कैसा है, आउटसाइड में। लेकिन हम बात कर रहे थे हमारा ब्रेन का, सिर्फ बात कर रहे थे फोर ब्रेन मिड ब्रेन, ठीक है। उसमें कैसा था हमारा, ग्रे मैटर कैसा था आउटसाइड में और व्हाइट मैटर कैसा था इनसाइड। अब देखो ये भी दिया होगा, ब्रेन स्टेम एनसीईआरटी में दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया है ब्रेन स्टेम में। पहले हम लोग लिखते थे डेंसी प्लांट मिड ब्रेन एंड बोन्स एंड मेडुला, अब चेंज कर दिया है शायद फोर ब्रेन और एक और चीज ज्वाइन किया उसमें है। कुछ लिखा लिखा है ब्रेन स्टेम लिखा है ना बस, ठीक है। हाँ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। डेंसी प्लांट को इसका पार्ट था हमारा फोर ब्रेन का, बट इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो डेंसी प्लांट फोर ब्रेन का था, इसको एनसीईआरटी ने हटा दिया गया, इसको ध्यान देना, क्वेश्चन नीट में आ सकता है। जितने भी चेंजेज हुए हैं उससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएंगी। और न्यू एनसीईआरटी जिसके पास होगा शेयर कर देना, जो भी है जैसे भी, वहां पे एक कोड दिया होगा, बार कोड दिया गया एनसीईआरटी में, उसको स्कैन करोगे जब तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह 30 चैप्टर के निकालोगे तो यदि 10-20 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए, 30 चैप्टर × 10 300 क्वेश्चन, ठीक है। जानते हैं बाय वाले हम लोग, ठीक है। तो लगभग उस क्वेश्चन 300 क्वेश्चन में से हमारे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आने की संभावना रहेगी, इसी ना तो बार कोड दिया गया हर चैप्टर में, ठीक है, नेट में। चलो आज से फॉर्म आ गया है, डेट आ गया ना, पता, हाँ 15 तारीख से फिलअप करना शुरू हो गया नीट का, नहीं अपना ही नीट का ही है, और तुम्हारा अप्रैल 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है उसका नीट का, फॉर्म फिलअप करने का आज से डेट स्टार्ट हो गया, ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ शायद, अब आज से बोला गया तो हो सकता है अभी साइट पे अपडेट किया जा रहा होगा, ठीक है, इस नाते अभी नहीं शो कर रहा होगा जो भी है, ठीक है, आज ही से आना था उसको। देखो अब देखो, इन ब्रेन स्टेम प्रेजेंट इन सिस्टमिक रेटिकुलर एक्टिविटी, ये सब नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब आता कौन सा हमारा, स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब देखो स्पाइनल कार्ड में बात करें तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल एंड 43 सेंटीमीटर इन फीमेल, ठीक है, सेम होता है, अरे बाद में कर देना, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे रिजल्ट आ गया, अरे 1 महीने आज अपडेट हो रहा, आज ही डेट था, नीट वाले थोड़ा सो जाते हैं ना तो उनको सुबह सुबह याद आया होगा कि हम डेट तो दे दिए और फॉर्म तो डाले ही नहीं, तो आज अपडेट करेंगे कल या परसों में आ जाएगा उम्मीद, या फिर नाइट में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, आराम से बनना अपना, कोई नहीं, बस उसमें जो दिया है नोटिफिकेशन उसको तैयार कर लेना सारी चीजें, क्योंकि फॉर्म जब फिलअप करना तो अच्छे से फिलअप करना, एक भी गलती, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो वेट कितना होता है, 35 ग्राम, बस बस कहाँ जी, अभी नहीं होगा, अभी कितना पेज पे चाहिए, अभी तो 9वां पेज, अरे वो एनसीईआरटी हो गया ना, अभी रिजल्ट आ गई ना, तो रिजल्ट आ गए तो आपको, ठीक है। अब आ जाओ स्पाइनल कार्ड की बात कर लेते हैं, तो स्पाइनल कार्ड हमारा, ठीक है, ठीक है, देखो ये सब बता दिए थे हमारा, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 43 सेंटीमीटर हमारा फीमेल और मेल की बात कर लेते हैं। लोकेशन रन थ्रू द वर्टिब्रा या फिर न्यूरल, ठीक है, नर्व कार्ड, ठीक है, हमारा देखो नीचे बना के दिया गया, हमारा देखो डायग्राम दिख रहा होगा हमारा, इसे को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कार्ड, जो वर्टिब्रा पीछे की उसी के बीच से हमारा होके गुजरता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, ठीक है। स्पाइनल कार्ड बताए थे कैसा होगा, माइलिनेटेड कि नॉन माइलिनेटेड, स्पाइनल कार्ड में बात करें इसमें न्यूरॉन्स जो होंगे अधिकतर कौन से होंगे माइलिनेटेड होंगे हमारे, ठीक है, कैसा होगा माइलिनेटेड होगा, फास्ट होगा। और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बताए थे, ब्रेन में ग्रे मैटर कैसा था हमारा,
आउटर और कौन सा व्हाइट मैटर इनर, और इसमें ग्रे मैटर क्या होगा हमारा इनर और व्हाइट मैटर बाहर, ठीक है। देखो क्या है हमारा, स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। जानते हो सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल कौन सा होता है हमारा एटलस, और दूसरा कौन सा होता हमारा एक्सिस, ये दोनों पूछा जाएगा बोन में भी। फर्स्ट हमारा वर्टिब्रा एटलस, दूसरा एक्सिस, ठीक है, ये याद रखो काम अपना हो जाएगा। 31 सेगमेंट है, C10, C8, T12, L5, S6, C01, या तो 0 होगा या तो 1 होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नीट का पेपर बता दे रहे हैं, बहुत आसान आने वाला है इस साल, ठीक है, कि जैसे देखा जा रहा है एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के जितने एग्जाम्पल है, बायो में जितने एग्जाम्पल है, सबको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसी यदि तुम लोग उतना ही रीड कर लो तो भी तुम लोग कट ऑफ पास कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का जेई का पेपर इस बार भी देखा जा रहा है, अभी हो रहा है ना मार्च में, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम एनसीईआरटी उठा कर रख रहे हैं सब, ठीक है। इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि नीट का पेपर मे बी एनसीईआरटी हो सकता है, लेकिन पढ़ना है सब कुछ अपना, ठीक है। चलो यदि हम स्पाइनल कार्ड को कट करें, देखो अपने एनसीईआरटी में दिया है स्पाइनल कार्ड के नंबर पूछे जाएंगे, कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा, फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड एटलस, ये सब पूछा जाएगा। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, तो एक ही काम है हमारा, कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन, और कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन का बना के डायग्राम दिया गया हुआ है, ठीक है, हैमर को स्टिक कर रहा है पैर में, पैर हमारा मोटर न्यूरॉन जा रहा है हमारा, मोटर न्यूरॉन फिर हमारा दिया ना पूरा बना के, सिर्फ ये पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं, तुम का कोई पेपर ऊपर नहीं हुआ था अभी, वो तो हम थे उस समय, चलो ठीक। इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो बोलो तुम लोग, दोनों रख देते हैं सेल और ह्यूमन फिलोसफी, क्लास के बाद डिस्कशन, क्लास के बाद। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे जो अभी बहुत दिन टाइम है क्लास के बाद, ठीक है, ठीक है, अब हमारा, ठीक है, अब देखो इसको हमारा पहला, देखो ये ग्रे मैटर हमारा इनर है, और व्हाइट मैटर देखो कट किया गया, व्हाइट मैटर कहाँ पे हमारा आउटर पोजिशन में है, और ग्रे मैटर का हमारा इनर है, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग पार्ट में, एक तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हैं हम लोग, तो कैसा दिखता है, बटरफ्लाई शेप का दिखता है, ठीक है। जो देखो इधर हमारा, इसको बोलते हैं लेटरल फ्यूनिकल, ठीक है। अब देखो ये सब बात है, बस देखो इसमें एक पूछा जाएगा हमारा वेंट्रल हॉर्न एंड डॉर्सल, कहाँ गया, ठीक है, डॉर्सल कम्युनिसेवर, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल कैनाल, देखो जो सेंटर से पास होगा, लाइंड विथ एपिडाइमा, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस डायग्राम एक बार देख लेना हमारा, बस ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को कट करने के दिखाया गया है कि ग्रे मैटर कहाँ पे होता है और व्हाइट मैटर कहाँ पे होता है, ठीक है, और इसके बारे में मेन हमारा पढ़ना है कि कैसे होता है। तो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो यहीं से हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, नाम सुने हो, ठीक है। अब देखो कहाँ चला जाएगा, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि जो भी सिग्नल हमारा मोटर न्यूरॉन से या तो इधर से जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड कौन सा हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड नर्व एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व, को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पढ़ चुके हम लोग, सेंसरी मोटर एंड मिक्स, ये देख चुके थे। अब देखो यहाँ पे दो नाम पूछेंगे, और MBBS में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाएगा, स्पाइनल नर्व कितने होते हैं हमारे, 32, ठीक है, 32 होते हैं, पता नहीं बताया गया कि नहीं बताया गया, एक और होता है, ठीक है, अच्छा ये सेटिंग गड़बड़ा गए, ओहो इसमें भी वही आ रहा है, बहुत सही, अरे तुम लोग तो कम प्रॉब्लम, ऑनलाइन वालों को आधा दिखता है इसमें, बेचारों को और परेशानी उनको, ठीक है। चार
ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इस क्रेनियल नर्व हमारे कितने नंबर याद रखना, कितने 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व कितने हमारे 31 पेयर। ठीक है, क्रेनियल नर्व जितने ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया हमारा, सेंसरी नर्व लेके आ रहा सिग्नल, मोटर नर्व लेके जा रहा, और मिक्स वाला क्या करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा क्रेनियल नर्व। अब देखो क्रेनियल नर्व एनसीईआरटी में लिख लो बस, ठीक है ये लिख लो, वहां पे कितने होते हैं एनसीईआरटी में बस लिख लो। ठीक है, कभी पढ़ो एनसीईआरटी तो हमको याद आ जाए, नोट की जरूरत ना पड़े। 12 पेयर्स में होते हैं, 10 एराइजेज इन ब्रेन स्टेम, और 2 है जिसमें थर्ड और फोर्थ एराइजेज फ्रॉम मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम बताए थे किसका बना होता है, ठीक है ठीक है। क्रेनियल नर्व O3 T2 AFA GUSH। स्प्लीन कहाँ होता है जी हमारे बॉडी में, स्प्लीन नहीं बोलते, बोलते दूसरा कुछ है, बट हम लोग स्प्लीन स्प्लीन नाम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ होता है हमारे बॉडी में, कहाँ पे होता है स्प्लीन, नहीं जी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है ना, लीवर के, लीवर के नीचे होता है, पैंक्रियाज के नीचे होता है। ठीक है, इधर होता है हमारा स्प्लीन। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा किडनी के पास में होता है स्प्लीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, दे कैन बी सेंसरी मोटर एंड मिक्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्युलर, ट्राइजेनोमियल, एब्ड्यूसेंस, स्पेशियल, ऑडिटरी, गैस्ट्रोफेलेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये मिल जाएगा नोट में, सिर्फ लिखना। अब देखो इसमें पूछा जाएगा जो हमारे 12 क्रेनियल नर्व हैं, इसमें से सेंसरी कौन है, मोटर्स कौन से हैं, और मिक्स्ड कौन से। देखो यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, 3 हमारे सेंसरी हैं, 5 हमारे मोटर हैं, और 4 कितने हमारे मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, जिसमें से दिया गया ट्रोक्युलर ही स्माइलेस्ट है क्रेनियल नर्व। ठीक है, अदर एनिमल देखो किसमें हमारा, ह्यूमंस में एंड अदर एनिमल्स में देखा जाए तो कौन सा हमारा एब्ड्यूसेंस है। ठीक है, लार्जेस्ट हमारा कौन सा है, ट्राइजेमाइनल इन ह्यूमन, अदर एनिमल में कौन सा हमारा वेगस। ठीक है, तो यही चीजें पूछी जाती है, सिर्फ ये नाम है, पहले पढ़ाया जाता था डिटेल में, अब हमारे कोर्स से हटा दिया गया। ठीक है, और ये ऑल्फैक्टरी जानते हो स्मेलिंग के लिए होता है, ऑक्लीमोटर रेटिना हमारा आई के लिए जाएगा, ये सब यहाँ पे आपको फंक्शन है, तो एक बार आप लोग बस देख लेना इसको। ठीक है, कि क्या काम करते हैं आगे नॉलेज के लिए। ठीक है, इसमें नीट में तो नहीं आएगा, बस देख लेना, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सर ये कौन सा मसल्स हमारा है, कौन सा ब्रेन का क्रेनियल नर्व काम करेगा, आई मूवमेंट के लिए बात करें, टेस्टिंग ऑफ फूड की बात करें, सलाइवा सिक्रेशन की बात करें, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, या फिर डायरेक्शनल की बात करें, रोटेशनल ऑफ आई बॉल, कोई कोई रोटेट कर लेता है, कोई कोई मूवमेंट करता है हमारा। ठीक है, टेस्ट बट कितने होते हैं, 4, कौन कौन से 4 हो गए जी, नहीं नहीं टेस्ट बट के नाम पूछे जाते हैं, पैपिला कितने पैपिला पाए जाते हैं, पैपिला कितने पाए जाते हैं, 4 नहीं 3, सरकम वाले फंजी फॉर्म एंड फिलीफॉर्म, 8 3 बताए थे ना, जिसमें से एक बताए थे, हाँ और एक बताए थे जिसमें टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट होता, कौन सा, फिलीफॉर्म वाला जो आगे होता है। ठीक है, चलो खत्म हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे हम लोग, जैसे टेस्ट होने वाला होगा उसके पहले एक चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, स्पाइनल नर्व एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, देख लिए हम कितने होते हैं 31 पेयर, ये सब देख लिए हमारा। देखो अभी ये हमारा स्पाइनल कार्ड काम करता है हमारा, कि स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से कोई भी चीजें आई, ठीक है, जैसे देखो अभी इसी को बोलते हैं दोनों, ठीक है, सिग्नल आ रहा है हमारा एक न्यूरॉन्स लेके आ रहा है किसमें, स्पाइनल कार्ड में, देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है हमारा और यहाँ से वापस जा रहा है। ठीक है, तो जो लेके आएगा उसे कौन सा बोलेंगे हम लोग, सेंसरी या फिर एफरेंट, और जो लेके जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मोटर या इफरेंट। अब जो सेंसरी, अब देखो ये दोनों कभी कल हटा के दोनों की जगह पे क्या दे देता है, डॉर्सल रूट, ठीक है, और इसके जगह पे क्या दे देता है हमारा, वेंट्रल रूट। ठीक है, ये हमारा नर्व मिक्स हमारा। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर कहाँ पाया जाता था न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई के एम्ब्रियो में कुछ था ऐसा छोटा बहुत,
एनसीईआरटी में शायद हमको जहां तक पता है कि एम्ब्रियो में लिखा है स्टूडियो यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब सिर्फ है एग्जॉन होगा, डेंड्राइड नहीं होगा, ठीक है, डेंड्राइड होगा ही नहीं, ठीक है। तीन लिखवाए थे, कौन कौन सा होता है, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। हाँ, तो सिर्फ एग्जॉन होगा, डेंड्राइड नहीं होगा, और इसे बोलते हैं, देखो तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है कौन सा हमारा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, होता हुआ किससे जाता है हमारा, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, यहाँ पे लिखा है ना हमारा, ठीक है, और कुछ नहीं हमारा, यहाँ से हमारा जाएगा, ठीक है, इस यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे किया जाता है, आंख तुरंत क्या होती है हमारी, बंद हो जाती है, यदि ये सोचने लगेंगे तब तक निपट जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, ठीक है, और ये जरूरी भी है रिफ्लेक्स एक्शन काम करना, बहुत जगह के लिए काम होता है, जैसे होता है ना कि हाथ जैसे कोई ले आता हीट हो या कोल्ड हो अपना, अब जब तक सोचेंगे हटाएंगे हटाने तब तक जल जाएगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन वही दिया, कहां से कहां जाएगा हमारा, देखो सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व ले जाएगा कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। तो एक डायग्राम बना के दिया ना तो आप लोगों में हैमर के साथ, तो वहां पे इस पाथवे को वहीं पे नीचे लिख लो, सीधे पाथवे पूछा जाता है आपको, पाथवे से पूछा जाएगा, ठीक है, वहीं नीचे लिख लो। देखो ह्यूमन मैन का लिखा है, ठीक है, कितना होता है, 5 से लेके 120 मीटर पर सेकेंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड की स्पीड होती है हमारी, और ये लाइफ में किए भी होंगे, अभी करोगे भी कॉलेज में जाओगे, जैसे कोई पीछे तुम्हारे घूम के, ठीक है, हाँ उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलो ये पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, देखो जो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन को उसको बोलते हैं कौन सा, रिफ्लेक्स आर, ये 10th में पढ़े होगे आप लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। और देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जानते ही हमारा, एक होता है अनकंडीशनल या इनबॉर्न या इनहेरिटेड, दूसरा होता है कंडीशनल, ठीक है। तो जानते ही हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आई, नी, जर्क, ये सब क्या है हमारे अनकंडीशनल, हमको पहले से पता रहते हैं हमको, ठीक है, बर्थ से ही पता रहता है, ठीक है। कंडीशनल में हम लोग को देखो एक्सपेरिमेंट है जिससे बोलते हैं पेवलॉग डॉग एक्सपेरिमेंट या फिर बेल डॉग एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्हें बोला गया पेवलॉग, ठीक है, ये क्या करते थे, ठीक है, कि बेल बजाते थे तो डॉग आता था उसको खाना देते थे, ठीक है। इन्होंने देखा कि जैसे बेल बजा रहे हैं डॉग आता था सलाइवा का सिक्रीशन कर रहा है, उसको भूख लग रही उसको दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या एक बार किया, दो तीन बार बेल बजाया, डॉग आया बिना टाइम के, ठीक है, दिन में या रात में, ठीक है, उसके बाद डॉग के फिर देखे कि खाना नहीं दे रहे हैं, सलाइवा का सीक्रेशन, मतलब एक कंडीशनल हो गया कि यदि बेल बजेगा तो आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह है जैसे हम लोग टाइम देखते रहते हैं, लंच का होता है तो पता चल जाता है कि अब तो हमको ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल होता है, ठीक है। और देखो इसमें हमारा प्रोटेक्टिंग, एंटी ग्रेविटी, राइटिंग, ये सब लिखने कौन सा होता है हमारा कंडीशनल, साइकिलिंग चलाना, स्विमिंग करना, ठीक है, बाद में हम लोग देखते नहीं अपना मस्त होके चलते रहते हैं, ठीक है। अब एक्सीडेंट बैठने पे भी हो जाए तो फिर तो देख के भी चलना पड़ेगा, वो भी गजब आदमी था, है? अरे ऐसे ही चाय पी रहे थे हम लोग, ठीक है, और गाड़ी होता नहीं है दो तीन लफड़े पी रहे आराम से पी रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो साइड में लगा हुआ पार्किंग में, ठीक है, और वो गाड़ी वाला मस्ती से ऐसे से, ठीक है, लेके आके लेके गए, ठीक है, हम बोले बहुत सही किया, वैसे नचा रहा तो बिना स्पीड का तो जाएगा नहीं, बस धीरे रहेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। आदमी लेकिन मतलब जो भी था सही था आदमी, बोला कि भैया गलती हो गई हमने, हम कहीं कि कुछ नहीं मर जाओगे हम तो, चलो कुछ नहीं तुम मर जाओगे, ठीक है, हेलमेट लगाओ कम से कम, मर जाओगे ऐसे चलाओगे मत चलाओ, खाली स्थान हो तो चलाओ आराम से, कोई बात नहीं, लड़ा दिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम गिर गए चोट लगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम मर जाओगे, ठीक है, अभी ट्रक के नीचे ऐसे चल लड़ जाओ तो चले जाओगे, क्या फायदा उसका, लेकिन सुधरने वाले नहीं होते ना वो,
ठीक है। देखो अब हमारा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। बताया था सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, सारी चीज को नॉर्मल से ऊपर ले जाता है हमारा कब, इमरजेंसी कंडीशन में। और पैरासिंपैथेटिक क्या करता है, हमारा बड़ी हुई चीजों को नॉर्मल ले जाता है, ठीक है। ये हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के साथ एक्शन करता है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चेन ऑफ 21 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वही है सर्वाइकल थोरेक्सिक लंबर एंड सैक्रल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, बस देखो ये एक डायग्राम है हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, देखो हमारा यहाँ पे है सर्वाइकल थोरेक्सिक लंबर एंड सैक्रल रीजन है हमारा, ठीक है, कौन सा वर्टिब्रा का, ठीक है। वहां से हमारा अटैच होता है जिसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। गैंग्लियन बताया था ना हमारा, गैंग्लियन मतलब नर्व के ग्रुप हो, ठीक है, नर्व के ग्रुप हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, गैंग्लियन। तो अब यहाँ पे है सिंपैथेटिक ट्रंक है, वहां से हमारा सिक्रीशन फिर नर्व निकल रहा है जिसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियन। तो वर्टिब्रा से डायरेक्ट हमारा कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, देखो एक सलाइवा पे, ट्रेकिया, लंग्स, हर्ट, जो भी हमारा सिंपैथेटिक काम करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का इस ऑर्गन पे, तो इसी तरह पाथवे होके जाता है। लेकिन यदि ब्रेन काम करता है तो डायरेक्ट हमारा नर्वस सिस्टम उस ऑर्गन से कनेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे गैंग्लियन काम करेंगे, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। और देखो पैरासिंपैथेटिक में हमारा ब्रेन स्टेम पड़े थे ना हमारा, वही हमारा O3 T2 एयरफोर्स ऑफ गन, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, सेक्रल रीजन। और देखो पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक काम है हमारे, ठीक है, पोजीशन ऑफ गैंग्लियन, सिंपैथेटिक ट्रंक हमारा प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट लॉन्ग, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट, ठीक है। मोड ऑफ वर्किंग, अब देखो यहाँ पे हार्ट बीट को क्या कर रहा है, देखो एक बढ़ा रहा है तो एक क्या कर रहा है हमारा कम, ठीक है, कम का मतलब बड़ी हुई चीजों को नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल से कम नहीं कर रही, यदि ऐसा हो तो फिर तुम्हारा जिंदगी भर यही चलता रहेगा, ठीक है, एक बढ़ा रहा है और एक कम रहा है, नॉर्मल पे कभी नहीं होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारा देखो ये बढ़ा रहा है हमारा, अब देखो ब्लड क्लॉटिंग पीरियड हमारा कम करता है कौन सा हमारा, सिंपैथेटिक, और पैरासिंपैथेटिक बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखना दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, सलाइवा सिक्रीशन। अब देखो इमरजेंसी में पूछा जाए कि इमरजेंसी में हम भाग रहे हैं, ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होगा ना तभी सिंपैथेटिक, सलाइवा सिक्रीशन कम होना चाहिए, पता चले भाग रहे भूख लग गई, ठीक है, तो होता है ना, जब होता है ना इमरजेंसी कंडीशन में हमको शेर दौड़ा लिया या डॉग दौड़ा लिया तो भागते हैं, उसमें भूख प्यास बोला जाता है ना, कि ऐसी कंडीशन जैसे एग्जाम होता है आप लोगों का, एग्जाम में 3 घंटे जब नीट होता है तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये कौन काम करता है हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपका एग्जाम के साथ वो पूरी मदद करता है ब्रेन हमारा, पूरा 100% देता है अपना, ठीक है। तो यदि वो सलाइवा सिक्रीशन करने लगे तो एग्जाम के पहले हमको भूख लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दौड़ने लगेंगे इधर उधर, ठीक है। तो भी देखो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है, कि हमारा जब चीजें इमरजेंसी कंडीशन हमको भूख लगे, अब एसिडिटी ना होने लगे तो उसको भी कम करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम कर, जितने भी डाइजेशन से जितने भी चीजें हमारे सारी चीज को क्या करता है, जानता है कि इसका वीकनेस है, यदि हम बढ़े तो खा के तुरंत लौट जाएंगे यहीं पे, ठीक है, नींद आती है हमको, ठीक है। देखो हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन, ब्रेन हमारा सेम काम करता है जैसा हमारा, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में पूरा मदद कर रहा है, बट हमारा हमारा ही ब्रेन जब पढ़े नहीं शुरू से मदद नहीं कर पाता है, ठीक है। इस नाते गॉल ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, सब चीज को डायलेट प्यूपल कर देता है हमारा, ठीक है, कि आराम से पढ़ सके हम लोग, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, ये तो होगा इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं टीयर्स आना जरूरी होते हैं, जैसे आंख आपके क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, बताए थे कोई एंजाइम पाया जाता है, लाइसो, और कहीं पाया जाता है, और सलाइवा में क्लोरीन का काम क्या होता है, वो तो भूल गए, एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, जिसको बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। देखो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है, ठीक है, उस समय क्या नाम है, यूरिनेशन से कुछ नहीं पता चलता 3 घंटे में हमको, ठीक है, 3 घंटे जब हो जाता है तब पता चलता है कि एक अलग दुनिया से बाहर आ गए, ठीक है, वो 3 घंटा हमको कम पड़ता है उस समय, एग्जाम में कम पड़ता है ना, ऐसा लगता है कितना कम, पेपर बहुत जल्दी था, 4-5 घंटे चाहिए हमको, ठीक है। और उस 3 घंटे में यदि हमको, देखो सबसे बड़ी चीज होती है, यदि पेपर आ रहा है हम लोग पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है, पेपर आ रहा है तो हम करते जाते हैं, अब अगर वाला कुछ भी पूछ दिया, ठीक है, या फिर लाके हीरा भी डायमंड भी दे रहा है कि ले लो, ठीक है, इतनी गुस्सा था, मन करता घूम के मारे उसको, ठीक है, कोई और यहाँ तक एग्जाम नहीं होता, बोलता ये करो वो करो, वो भी गुस्सा आता है, करने दो, ये ले जाओ चेक करो अपना, ठीक है, जो करना है, ठीक है। और सबसे पहली
देखना तरीका होता है अपने, देखो अपने तो काम करने जाते, टाइम का लोचा है नहीं अपने पास, ठीक है, टाइम भरपूर है, 3 घंटे हमको 150 नंबर लेने, यानी 200 नंबर के आसपास, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो जैसे पहले आएगा मार्कशीट आएगा उसको अच्छे से फिलअप करना आप लोग, अच्छे से पूरा टाइम लेके, ठीक है, क्योंकि अपन दूसरे को देखना नहीं, अपना तो काम फिक्स है कितने क्वेश्चन करने, और फिर पेपर के बाद जब तक वो बोला यदि हो गया जल्दी, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पेपर होता है ना सील होता है 3 जगह से, तो बोलते हैं बिना बोले नहीं ओपन करना, कुछ नहीं करना है, ऐसे उसको बुला के, ठीक है, देख के बायोलॉजी वाला देख के अपना तब तक लगाते रहो, अब ऐसा नहीं देखे फिजिक्स में लगाने भिड़ गए, नहीं, ठीक है, बायो का सिर्फ बायो का देखे, और देखो बायो देखे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये होते हैं कम्प्लीट जो बीट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं जब तक वो 5 मिनट बोला हम नहीं खोलना बैठ, हमारा तो मैसेज हो गया अपना खोल के, तब तक 5 मिनट में 5 से 10 क्वेश्चन बायो का एक एक पेज उठा के करते चले गए, अपना 10 क्वेश्चन हो गया, जब तक दूसरा कोई खोलेगा तब तक आप उस 10 क्वेश्चन उससे आगे निकल चुके हो, ठीक है, ये तरीका होते हैं वहां पे, हम खोले भी नहीं अपना काम भी हो रहा है, ठीक है, पेपर तो देख ही सकते हैं ना उसको खुला के ऐसे करके, ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, जानते ही हो फिजिकल कंडीशन, केमिकल, मैकेनिकल, ये जितने भी हमारे सब में काम करेगा, अब देखो ये पूछा था ऑल एंड नन रूल, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, वो स्टिमुलस जिसपे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करे, वो मिनिमम एनर्जी जिसपे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करे उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, कितना होता है -55 to -60 mV, ठीक है, अब देखो ये डिफरेंशिएट परमिबिलिटी होती है हमारी नर्वस सिस्टम को, जानते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है, पंप होते हैं हमारे, ठीक है, देखो यहाँ पे अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरो प्लाज्मा और इसको बोलते हैं न्यूरी लेमा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या बोलेंगे न्यूरी लेमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या बोलेंगे न्यूरो प्लाज्मा, न्यूरो प्लाज्मा किसकी ज्यादा मात्रा होती है हमारी पोटेशियम की, और बाहर किसकी होती है हमारी सोडियम की, ठीक है, अब देखो यदि ये मेम्ब्रेन है हमारा प्लस 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 ये माइनस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर क्लोराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछा थी कितनी होती है -70 mV, ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे हम इसको टच किए, जैसे उसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि सोडियम और पोटेशियम एक साथ एक्सचेंज होते हैं, वो नहीं होते, जैसे यहाँ पे हम स्टिमुलस दिए इसको, ठीक है, जैसे स्टिमुलस दिए कोई भी सिग्नल दिए क्या करेगा हमारा सिर्फ अंदर इंट्री करेगा सोडियम, पहली इंट्री कौन करेगा हमारा सोडियम, तो पूछा जाएगा सोडियम और पोटेशियम चैनल क्या दोनों एक साथ ओपन होते हैं, नहीं, सोडियम पहले ओपन होता है पोटेशियम बंद रहता है, ठीक है, तो सोडियम हमारा अंदर आना शुरू हो गया, ठीक है, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर होना शुरू हुई तो ऊपर क्या कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो अब पोटेशियम को, तो उस समय सोडियम का बंद हो जाएगा, किसका चालू होगा हमारा पोटेशियम का, और पोटेशियम यहाँ से बाहर जाने लगेगा, हमारी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी कैसी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा डी फ्लोराइड, ठीक है, यदि डी फ्लोराइड नहीं होगी तो हमको सिग्नल नहीं पता चलेगा, ठीक है, जैसे होता है ना कि हमको कभी काल यहाँ पे स्टिमुलस देने पे कुछ पता नहीं चलता, यानी हमारा कोई भी चेंजेस नहीं, पैरालिसिस जैसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे पैरालिसिस बोल देते हैं, यदि वही काम एक दवा दी जाती है बात की, ठीक है, तो दी जाती है तो फिर हमारा मेम्ब्रेन चालू हो जाती है, ठीक है, अब देखो अब फिर ये हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, ट्रांसफर होगा कहाँ तक ब्रेन तक ट्रांसफर होना हमारा, ठीक है, फिर मेम्ब्रेन की पोर्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी हमारी जैसा था, इसको बोलते हैं कौन सा री, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये था हमारा क्लोराइड, ये हो गया डी क्लोराइड एंड री क्लोराइड, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था हमारा -70 mV, देखो यहाँ पे नीचे वही बना के दिया गया ना हमारा सोडियम आ रहा है फिर बाद में पोटेशियम, अब देखो रिफ्रैक्टिव पीरियड, रेस्टिंग पीरियड, रिफ्रैक्टिव नो एक्साइटमेंट, कोई भी चीज नहीं दिया गया हमारा, कितना होता हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, इवन ऑन गिविंग थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई 4 mV/s या 4 ms, और नर्व कैन गेट एक्साइटेड मोर देन स्टिमुलाई वैल्यू द 3 ms, ठीक है, अब ये सब तो हमारा अलग है, अब देखो यही पे हमारा है, देखो जनरेशन ऑफ इम्पल्स, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 mV, सोडियम चैनल आर क्लोज, जब तक कुछ नहीं दिया गया तब तक सारे चैनल क्या होंगे हमारे बंद होंगे, ठीक है, फिर जैसे इसको देंगे हमारा देखो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा -70 से कहाँ चला जाएगा हमारा -55 mV, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल,
फिर हमारा डी पोलराइज, और देखो ये यहाँ से पूछा जाएगा एक्टन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कितना होता है, +45 to +50। और देखो ये ग्राफ बना के दिया गया है, ग्राफ याद रखना आप लोग, ठीक है। ग्राफ वैसे कम पूछा जाएगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, स्टिमुलस पूछा जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे कैसे होता है हमारा, ठीक है। नीचे भी दिया गया है, यदि बताए थे माइलिनेटेड सीड है तो हमारा कैसा होगा, नॉन माइलिनेटेड के कंपेयर में 20 टाइम कैसे होंगे हमारे, फास्टर होंगे, ठीक है। एक आदमी सड़क से दौड़ रहा है और एक ऊपर छत से कूदते जा रहा है, ठीक है, तो कौन पहुंचेगा पहले, कूदने वाला जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, छत से छत कूद जा रहा है ना वो, ठीक है, जंपिंग, हाँ जंपिंग करे, जंपिंग करते फास्ट कर रहा है ना। अब जंपिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक छत से दूसरे छत पर कूद रहा है, ठीक है, एक से कूदा, तीन छत बाद कूदा जाके, ठीक है, और वो तो ऐसे कूदते रहते घर ही रह जाएगा, हाँ ठीक है, जंपिंग हो वाला, ठीक है, जो हम लोग करते वाला नहीं, ठीक है, हाँ स्पाइडरमैन वाला, ठीक है। अब चलो देखो ये रिपोलराइजेशन हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्शन पोटेंशियल हमारा कहाँ से जा रहा है, ठीक है, 45 mV हमारा, और ये हो गया रिपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, माइनस फिर रेस्टिंग पोटेंशियल कितना चल जाता है, -55 mV एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड +45 to +50, ठीक है। देखो ये हमारा दिया एनसीईआरटी में 3 सोडियम बाहर आता है और 2 पोटेशियम अंदर जाता है, और देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिया गया हमारा एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस का हमारा नर्व इम्पल्स कैसे होता है हमारा, तो -70 होता है हमारा पहले, फिर कितना जाता है हमारा -55, फिर एक बैग ऊपर जाता है हमारा जहाँ पे देखो दिखा है एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल आर क्लोज, सिर्फ ओनली कौन सा हमारा पोटेशियम चैनल आर ओपन। जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, और जब सोडियम चैनल होगा तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कम होगी, कम मतलब -70 से तो ज्यादा ही होगी हमारी, ठीक है, लेकिन इन द रेस्पेक्ट एक्शन पोटेंशियल से कम होगी। तो दोनों लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कौन से चैनल ओपन है, तो चाहते हो तो एनसीईआरटी में बना लो बगल में ग्राफ, ठीक है, नोट तब तक मिलेगा, तब तक इंतजार करना नहीं है। किसी काम नहीं कर रहा है, कहती अरे और रेजुलेंस की जैसी बात है, अच्छा हाँ किसी पास MI का होगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अरे फोन से देख, कुछ दिन में ऐसा होगा कि लॉकर भी कनेक्ट रहेगा फोन से, अरे ये नहीं लॉकर, ये वाला नहीं, चीजें बैंक का लॉकर नहीं, ऊपर लिखा है दोनों एक ही है, दोनों सेम ही है, रंग रूप एक ही है। चलो आ जाओ अब सिनेप्सिस की बात करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, अरे यहाँ पे होगा उसका रिमोट, कहीं पे होगा यहीं पे, ठीक है, चलो सिनेप्सिस करते रहो, ठीक है, उसको चेंज करते रहो अपना, ठीक है, देखो कनेक्ट हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आ जाओ सिनेप्सिस की बात करते हैं, तो जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप, जहाँ पे कौन सा होगा, एक्सॉन एंड बल्ब और डेंड्राइट्स, ठीक है, अरे हो गया, ठीक है, कनेक्ट करने दो उसको, एक लोग रहो दीजिए, ठीक है। अब देखो ये, अब तुम लोग जैसे आगे जाओगे तो दिया जाएगा आपको सिनेप्सिस कहाँ का होता है, तो हमारा एक्सॉन टू एक्सॉन होगा, डेंड्राइट टू डेंड्राइट हो सकता है हमारा, साइटॉन टू एक्सॉन डेंड्राइट, जो भी दो या तीन तरह का आपको पढ़ाया जाएगा, बट हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि जब एक नर्व का एक्सॉन एंड बल्ब और दूसरे का डेंड्राइट आपस में कनेक्ट होता है उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो
दो तरीके सिनेप्सिस हमारा, पहला कौन सा है केमिकल सिनेप्स, दूसरा कौन सा हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, केमिकल सिनेप्स में सिर्फ कैसा होगा हमारा, केमिकल चेंजेज होंगे हमारे, जिसका दोनों के बीच में जो गैप गैप होगा कितना होगा 10 to 20 नैनोमीटर, और जब इलेक्ट्रिकल जाएगा सिग्नल जाएगा तो उनके बीच में जो गैप होना चाहिए 0.2 नैनोमीटर्स का। ठीक है, अब देखो ये दिया आपको एनसीईआरटी में भी बना के दिया गया है केमिकल सिनेप्स। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी में भी बना के दिया गया सिनेप्सिस, और देखो कैसे होता हमारा, एक बना लिए कौन सा हमारा एक्सॉन एंड बल्ब है, दूसरा कौन सा हमारा डेंड्राइड है। ठीक है, इनके बीच में गैप है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट 10 to 20 नैनोमीटर। अब देखो यहां से सिग्नल आया, इसके पास क्या होते हैं हमारे वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर नर न्यूरल ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, या फिर न्यूरल हार्मोन्स बात कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसको सिग्नल जाता है तो ये जो वेसिकल्स होते हैं किसका रिलीजन करते हैं हमारा कैल्शियम प्लस टू। जैसे ही कैल्शियम प्लस टू आता है हमारा कहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन सा हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कौन सा कीमो रिसेप्टर। तो कैल्शियम जैसे आता है तो यहाँ पे एक फ्लूड होता है, ठीक है, वो क्या करता है सिग्नल किसको भेजता है हमारा पोस्टिक सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और फिर यहाँ से कैल्शियम हमारा इसको एक्टिवेट करेगा, तब यहाँ पे हमारा सोडियम एंड पोटेशियम आयन एक्सचेंज होना शुरू होंगे, या फिर पोटेशियम या सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों कनेक्ट हुए, सिर्फ याद रखना जैसे ही दोनों कनेक्ट हुए हमारा यहाँ से सिग्नल आएगा, न्यूरल वेसिकल्स होते हैं इसको एक्टिवेट करेगा, वो क्या निकालेगा कैल्शियम, वो कैल्शियम इस एग्जॉन से कहाँ जाएगा डेंड्राइड तक जाएगा, क्योंकि डेंड्राइड के पास क्या होते हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट करते हैं जो क्या करते हैं उसको खींचते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वहां जैसे अट्रैक्ट होगा तो मेम्ब्रेन पर हमारी क्या होती है परमेबिलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है हमारी। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे पूरा बना के आपको, और इनके बीच में एक हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एसिटाकोलीन। ठीक है, पूछा था एसिटाकोलीन हमारा प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा है केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दोनों के बीच में केमिकल में कितना होता है 10 to 20 मीटर और इलेक्ट्रिकल में 0.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, जानते हो नर्व इंपल्स हमारा देखो माइलिनेटेड है तो ज्यादा होगा, नॉन माइलिनेटेड होगा तो हमारा कम होगा। ठीक है,